मनु पानी के पास नहीं जाना, लहरें बहुत तेज हैं। माँ लगातार हिदायत दे रही थी जिसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह तो मस्त था अपने खेल में। अचानक उसके पैर में एक पत्थर आकर टकराया। उसने चौंक कर अपने पैर को देखा। हे भगवान, इतना बड़ा शंख, चमकीला भी इतना कि आंखें चौंधिया जाएं। वो सोच रहा था कहाँ से आया होगा। यह तो उसे भी मालूम है कि शंख में जीव होता है और यह उसका कवर होता है। जीव जब इसमें से निकल जाता है तो यह कवर छोड़कर बाहर चला जाता है, और जो कवर रह जाता है उसे ही हम शंख कहते हैं। उसने उस शंख को वापस समुद्र की लहरों में छोड़ दिया, यह सोचकर कि जगह तो वही है, रास्ते में पड़ा रहेगा तो निश्चित ही उस पर किसी का पैर पड़ जाएगा और वह टूट जाएगा। शाम भी होने को आई थी। चलो बेटा, घर नहीं चलना है क्या? माँ लगातार आवाज़ दे रही थी। वो दौड़ता हुआ माँ के पास पहुँचा अपने बैग लेकर। वे सब घर पहुँचे। रात का समय था, सब सोने चले गए। मनु भी नींद में था। अचानक उसके बैग में एक से कुछ चमक रहा था। वह आश्चर्य से भर गया। मेरे बैग में ऐसा क्या है जो चमक रहा है, उसने सोचा। उसने बैग खोलकर देखा तो हैरान रह गया। यह शंख तो उसने समुद्र को वापस कर दिया था, फिर यह कैसे यहाँ आ गया? उसने सोचा वह कोई सपना देख रहा है। वह फिर से सो गया। सुबह जब वह सोकर उठा, उसने सोचा एक बार देखूं तो क्या वह शंख मेरे बैग में है क्या। वह शंख आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे ठोकर लगी। देखा वह शंख उसके पैर के ही पास था। हे भगवान, ये तो सच है। उसने उस शंख को उठाकर बैग में रखा और स्कूल के लिए निकल गया। उसका मन आज कक्षा में नहीं लग रहा था। वह उसी शंख के बारे में सोच रहा था, क्या यह जादुई शंख है या कोई भूत। मनु, आज तो क्या बात है, तुम्हारा होमवर्क तो पूरा है, इसी तरीके से पढ़ाई करोगे तो अव्वल आओगे। मास्टर जी की बात सुनकर वो हैरान हो गया। वह तो कल होमवर्क करना ही भूल गया था और ये मास्टर जी मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। या मार पड़ने वाली है या वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वह मार खाने के लिए तैयार था, पर जब उसने अपनी नोटबुक देखी तो वो हैरान हो गया। यह क्या, मेरा होमवर्क तो पूरा है भाई, मैंने किया है, शंख ने कहा। तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं रानी घोंगा का शंख हूँ और मुझे जादू शक्ति प्राप्त है, मैं हर काम कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है तो मुझे चॉकलेट ला के दो। आड़ू बाड़ू गम गम झाड़ू चॉकलेट। अरे वाह, ये तो बहुत सारी चॉकलेट है, मेरे सफ़ेदू, मेरे शंखु। यह क्या है, मैंने तुम्हें नाम दिया है, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए अब तुम्हारा कुछ नाम तो होना चाहिए। मनु ने उसे ज़ोर से चूम लिया। अच्छा, आप घर चलते हैं, एक बात बताओ, तो मेरे बैग में कैसे आ गए? मैंने कहा ना, मेरे पास जादू शक्ति है, और एक बार हमें किसी का भी हाथ लग जाता है तो हमें पूर्णिमा की रात तक धरती पर ही रहना होता है, हम पानी में वापस नहीं जा सकते। और तुमने मुझे हाथों से उठाकर पानी में वापस रखा था, इसलिए मैं पूर्णिमा तक वापस नहीं जा सकता। ओहो, यह क्या हो गया मुझसे, मैंने तो तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। अरे दुखी नहीं हो, तुम्हारा उद्देश्य तो सही था ना, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। वे उछल कूद करते, मस्ती करते, पर सबसे छुपते छुपाते। आज मनु की माँ का जन्म दिवस है, पर वे परेशान हैं क्योंकि मनु का छोटा भाई कहीं गुम हो गया है। मनु अपने नए दोस्त के साथ मस्त है, मस्ती में वे गा रहे हैं। आया है दोस्ती का मौसम, अब क्या है गम, तररम पम पम पम, गपुची गपुची गम गम, आजा कर ले दूर सब गम, हम खाएंगे पिएंगे और खेलेंगे, हम हाँ हम। आया है दोस्ती का मौसम। सफ़ेदू उसको कंधों पर ठुमक ठुमक कर चल रहा था। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने छोटे भाई के गुम हो जाने की बात बताई। वह परेशान हो गया। शंख ने कहा, अरे दुखी मत हो मन्नू,
मेरे साथ अकेले में चलो। वे दोनों एक पेड़ के नीचे चले गए। आड़ू बाड़ू गम गम झाड़ू, छोटू का पता बताओ। एक पत्ता गिरा जिस पे लिखा था कि मनु का छोटा भाई चन्नू मंदिर के पीछे वाली गली में एक कोठी में बंद है। चन्नू और सफ़ेदू शंख खुश होकर दौड़े। उस कोठी पर पहुंचकर उसने रस्सी काट कर खोल कर वापस भागे। तीनों दौड़े। रास्ते में पता चला कि भोला ने चन्नू का अपहरण किया। वह गांव का बदमाश गुंडा था भोला। जब भोला लौटा तो उसने पाया कि चन्नू वहाँ नहीं है। वह बहुत परेशान हो गया। कहाँ गया? कहीं वह अपने घर तो नहीं चला गया? यहाँ से भागकर वह पता करने मन्नू के घर पहुँचा। उसने खिड़की से झाँक कर देखा। चन्नू मन्नू सफ़ेदू शंख और माँ सभी खुशी से झूम रहे हैं। सब खुशी से गा रहे हैं, चुन्नू मेरा चुन्नू आया, खुशियाँ हैं लौटा लाया, आइसक्रीम खाएंगे, चॉकलेट लाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, सफ़ेदू को कपड़े पहनाएंगे, मेरा सफ़ेदू तेरा सफ़ेदू हम सबका सफ़ेदू। ओहो, अच्छा तो इनको ये जादू शंख ने पता बताया, ये तो कमाल का है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूँ। भोला ने सोचा, मुझे कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी और मेरे पास धन ही धन होगा। वह रात को शंख को चुरा ले जाता है जब सब गहरी नींद में सो रहे होते हैं। वह उसको एक पेटी में बंद कर देता है। सुबह मुन्नू को जब सफ़ेदू शंख नहीं मिलता है तो वह परेशान हो जाता है। माँ को भी अब सफ़ेदू से प्यार हो गया था। वे सब उसकी तलाश में निकलते हैं पर कुछ पता ही नहीं चलता। भोला बहुत खुश है। वह शंख से कहता है, ए मेरे शंख, मुझे सेठ के घर की तिजोरी का पता लगाओ। सफ़ेदू शंख ने कहा, आड़ू बाड़ू गम गम झाड़ू, तिजोरी का पता बताओ। एक पत्ता आकर गिरता है जिस पर लिखा होता है कि तिजोरी सेठ की हवेली के पीछे वाले हिस्से में भगवान शिव की मूर्ति के पीछे है। भोला बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह, तुम तो बहुत काम के हो। वह रात को चोरी की योजना बनाता है और पहुँच जाता है सेठ की हवेली में। रात को बहुत गहरी नींद में सब सोए रहते हैं। भोला मंदिर ढूंढते ढूंढते घर के पीछे पहुँच जाता है। उसे तिजोरी मिल जाती है। वह उसे तोड़ने की कोशिश करता है। उसमें लगा अलार्म बजने लगता है। चौकीदार भागकर उसे पकड़ लेता है। पूरा गांव जाग जाता है और जितनी पिटाई कर सकते थे उतनी खूब पिटाई करते हैं, क्योंकि चोरों और धूर्त व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। भोलू को पुलिस ले जाती है। यहाँ सारा गाँव इकट्ठा हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि भोला सालों से पकड़ा नहीं गया, वह अब इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गया। पर मुन्नू को पता है, यह नेक काम करने वाला उसके सफ़ेदू शंख दोस्त ने किया। जब वह भोला से मिलने जाता है तो भोला कहता है, एक बात तो बताओ चन्नू, शंख ने तुम्हारी मदद की पर मेरे साथ धोखा किया, ऐसा क्यों? चन्नू मुस्कुरा रहा था। तुम्हारा शंख तो ढपोर शंख है, कहता कुछ है और होता कुछ है, भोला ने गुस्से में कहा। पर चन्नू जानता था कि शंख उनकी ही मदद करता है जिनकी भावनाएं व मन अच्छा होता है। जो दूसरों